की हेडलाइन पर, बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट पाने के चक्कर में गवाए 8.5 लाख रुपए। ओडिशा सड़क हादसे में 2 पुलिस कर्मी की मौत, 17 घायल। एटीएम मशीन उखाड़ कर ले जाने वाला मास्टरमाइंड पकड़ा गया। अब खबरें विस्तार से। बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट पाने के चक्कर में गवाए 8.5 लाख रुपए। दिल्ली में अनजान शख्स ने फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल करना एक महिला के लिए बड़ा धोखा साबित हुआ है। डिप्रेशन में आकर महिला ने सुसाइड करने की हालत में पहुंच गई। यह सब हुआ है इंग्लैंड से बर्थडे पर भेजे गए 1.5 करोड़ के सरप्राइज गिफ्ट के कारण। यह पार्सल उसको छुड़वाने के लिए महिला ने ज्वेलरी तक गिरवी रख दी थी और यह कर्जा कर लिया था। ठगों ने महिला को पार्सल के पैसे नहीं जमा करने पर CBI से गिरफ्तारी तक धमकी दे डाली। महिला 8.5 लाख रुपए गवा चुकी है, 25 लाख और मांग रहे थे। इस बीच एक महिला की दोस्त ने उसे चेताया था और महिला ने LG पुलिस कमिश्नर, DCP, लोकल पुलिस लिखित में कंप्लेंट कर दी है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली NCR में ATM लूटने वाले शातिर बदमाश को पकड़ लिया है। क्राइम ब्रांच ने इसकी गिरफ्तारी से लूट की 5 वारदातों को सुलझाने का दावा किया है। आरोपी अजय उर्फ मोनू 25 का रोहतक जिले के सापला का रहने वाला है। DCP डॉक्टर जी राम गोपाल नाइक मुताबिक पिछले साल सितंबर अक्टूबर में दिल्ली गुड़गांव रोहतक में ATM के लूट के मामले के सामने आए थे, जहां आरोपी ने ATM उखाड़ कर ले गया था। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी। ओडिशा सड़क हादसे में 2 पुलिस कर्मी की मौत, 17 घायल। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 2 पुलिस कर्मी की जगह पर ही मौत हो गई, 17 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। यह दुर्घटना तेज गति से आ रहे ट्रक और वैन के आपस में टकराने की वजह से हुई है। बता दें कि झारसुगुड़ा जिले के बेल पहाड़ स्थित NH50 यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये सभी पुलिस कर्मी ड्यूटी जिले में होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में लगाई गई थी। इस सड़क हादसे में 2 पुलिस कर्मी की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों को एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।